ये दोस्तों अभी का टाइम पे आप सभी को ऐसा ऐसा एक नॉर्मल नंबर पे आप लोग को ऐसा ऐसा लिंक भी आता है जो आप कभी ना देखा हो ना कभी जाना हो, तो आप सभी को ऐसा ऐसे भी कंटेंट भी आ रहा है, तो आप लोग खुद को नहीं पता। मैं आप लोग को प्रूफ के साथ बताऊंगा। ये एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड को आया था, मेरे पास डायरेक्ट ऐसा नहीं आया था, आप लोग ऐसा एक मेरा फ्रेंड को आया था। तो फ्रेंड को आने के बाद वो एक्चुअली वो फ्रेंड मेरे को ये सब चीज़ तो दिखाया, तो मैंने जब ये चीज़ तो उनका पास देखा तो मैंने बोला कि भाई एक्चुअली ये चीज़ ऐसा मत करना, तो इस चीज़ को मेरे को फॉरवर्ड कर देना, मैं कि इस चीज़ को लेके प्रूफ करूँगा। लेकिन हाँ, मैं जो नंबर पे आया था उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास अवेलेबल है जिस नंबर पे आया था, लेकिन मैं किसी का नंबर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि एक्चुअली आपके हिसाब से ये रिवील होना चाहिए, जो गलत करे वो गलत होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हाँ, गलत होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को अगर एक लीगल डिपार्टमेंट अगर इस चीज़ को डायरेक्ट हासिल करे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर मेरे थ्रू जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर मैं फ़िलहाल करंट सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को मैं झेलने की कोई मेरे पास कैपेबल नहीं हो, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में अलर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ को लेकर मैं रिपोर्ट भी कर सकता हूँ कि इस चीज़ को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए इस रिगार्डिंग मेरे पास कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। तो आप लोग को एक चीज़ इस चीज़ से आपको दूर ही रहना होगा, क्योंकि अभी का टाइम पे ये टाइप का स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। नंबर पे आपको एक ऑफर नंबर लालच देते हैं, उस लालच रिगार्डिंग आपको ये आता है, आने के बाद आप लोग फंसते हैं। तो मैं आप लोग को इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आपको हेल्प करूँगा बताने के लिए, लेकिन उस चीज़ को आप थोड़ा सा जरूरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, लेकिन समझदारी के साथ समझ लेना, क्योंकि ऐसा ऐसा टाइम में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे कोई भी कंपनी का होता है, आप लोग को इतना ढेर सारा डिस्काउंट मिलेगा, ये लिंक क्लिक करो, ये एक्चुअली ये होगा, ये क्लिक करो, ये होता है। लेकिन हाँ, अगर आप वो जेन्युइन तरीके से हो तो आपको कोई किसी से आप ऑथराइज चीज़ लोगों से आ रहा है तब सही है, मतलब हो सकता है वो किसी नंबर है, आपका दोस्त ने एक अच्छी ऐप की अगर स्टडी नॉलेज इन्फॉर्मेशन की ऐप के आपको रेफरेंस कर रहा है, वो आपको कॉल किया, मैंने आपकी ये नंबर पे मैंने आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ, वो चेकआउट करके ओपन करके ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बा ये वेबसाइट विजिट कर सकता है, ये एक्चुअली जेन्युइन तरीका है। अगर आपको अननोन पर्सन से किसी तरह से SMS या कुछ भी आए तो कभी भी इस चीज़ को लगे आगे मत जाना, क्योंकि इसमें आपका बहुत नुकसान होगा। हो सकता है आपको पैसा के मामले फ्रॉड हो सकता है, या आपके डेटा के मामले से आपका फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है आपको फॉलो करके किसी तरह से आपको ब्लैकमेल करेगा, तो ऐसा किसी टाइप का भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम पे आप कोई भी ऐसा SMS आता है तो इस चीज़ को इग्नोर करना, या मतलब नॉलेज के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ना, ना धड़ाक से अपने क्लिक करके इन्फॉर्मेशन अपना दे देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप लोग अच्छे साथ आपको ऐसे नॉलेजेबल पर्सन है जो वीडियो देख रहे हैं, अगर इसलिए आप इस वीडियो कंटिन्यू करते, नहीं तो आप कहीं एंटरटेनमेंट नाम के कुछ भी वीडियो आप देखते रहते। तो आई होप मैं आप लोग इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, मैं आपको ट्राई करता हूँ मैं अपने तरीके से कुछ भी कॉन्टेंट अपलोड करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। 7 8 0 2 0 का मोबाइल नंबर था, वो जो बंदा किया हुआ है जानबूझ कैसा किया हुआ है, तो उसी को क्या किया है कि नंबर थोड़ा सा डायल कर दिया, XXX दे दिया, और उसके बाद ये क्रेडिट आर एस 2 लाख इन अप्रूव प्लीज़ फिल द डिटेल्स बोलकर वो दे दिया। ठीक है, ये एक्चुअली एक लिंक प्रोवाइड है, तो एक्चुअली आप लोगों को जो लिंक दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, एक्चुअली जेन्युइन लिंक है, ये एक्चुअली कुछ एफिलिएट प्रोमोटर लिंक है, तो उसी बारे में डिटेल नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि उसका मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअली इस तरह से आप लोगों को लिंक आएगा, कभी कभी आप लोगों को व्हाट्सएप पे आएगा आप लोगों को ज़्यादातर, ठीक है। तो एक्चुअली अगर कभी आता है तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट जैसे दिख रहे हैं आप लोग अमाउंट ये क्रेडिट आ रहा है, ये ऐसा ऐसा दिखाएगा, ठीक है, प्लीज़ फिल द डिटेल्स बोलकर आपको आएगा। तो ऐसा आने से आप लोग को पैसा दिखने से हम लोग क्या होता है कि हम लोग कभी समझ नहीं पाते, तो आप लोगों को कभी ये सब चीज़ को जानकारी रखना होगा, ठीक है। तो आप लोग इस बारे में डिटेल जानकारी रखिए, तो अगर नहीं रखते तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। तो आप लोग इस तरह से आप लोग नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।